अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतारा गया रॉकेट, स्पेस साइंस की दुनिया में चमत्कार, जाने कैसे मिशन मंगल का सपना होगा पूरा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारशिप रॉकेट को अंतरिक्ष से फिर धरती पर उतारकर वो कारनामा किया है जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। इससे मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस साइंस की दुनिया में एक नया चमत्कार कर दिखाया है। अब तक आपने रॉकेट को लॉन्च होते हुए और अंतरिक्ष में जाते हुए देखा होगा, लेकिन दुनिया में पहली बार रॉकेट को अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतारा गया है और यह कामयाबी हासिल की है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। इससे मंगल पर बस्ती बसाने का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। दरअसल स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप बनाया है। यह उसका पांचवा टेस्ट था जो कामयाब रहा। पहले इस सुपर हैवी बूस्टर को धरती से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गया, फिर इसे नीचे उतारा गया। नीचे मैकेजिला नाम का एक सिस्टम इसके पकड़ने के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही रॉकेट नीचे आया, मैकेजिला ने अपने दो मेटल आर्म से उसे दबोच लिया। ये मेटल चॉपस्टिक्स की तरह दिखाई देती है। बाद में इन्हीं मेटल आर्म ने इसे आसानी से उतारा। जैसे ही स्पेसएक्स के इंजीनियरों ने बूस्टर के सुरक्षित रूप से उतरने का ऐलान किया, स्पेस साइंस की दुनिया में एक नया इतिहास दर्ज हो गया। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसा पहली बार है कि जब धरती के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में कंट्रोल लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप ने जब धरती के वातावरण में एंट्री की तब उसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और तापमान 1,430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। इस स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं, जबकि सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन है। ये काफी भारी है, इसलिए इसके आसानी से उतारे जाने को लेकर सवाल था। इससे पहले 4 परीक्षण फेल हो चुके थे। पहले टेस्ट में लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद ही विस्फोट हो गया था। दूसरे टेस्ट में स्टेज सेपरेशन के बाद खराबी आ गई थी। तीसरे टेस्ट में धरती के वायुमंडल में रीएंट्री के बाद स्टारशिप से संपर्क टूट गया था। चौथा टेस्ट सक्सेसफुल रहा और पानी में लैंडिंग हुई। रविवार को जब ये 480 फीट ऊंचे मैकेजिला लैंडिंग टॉवर के पास पहुंचा, तो ऐसा लगा कि यह लगभग तैर रहा है। नारंगी लपटों ने बूस्टर को घेर लिया और यह बड़े शानदार तरीके से विशालकाय मेटल आर्म में जाकर फंस गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस कामयाबी पर खुशी जताई, क्योंकि नासा ने स्पेस एक्स को 2026 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह तक ले जाने वाला लैंडर बनाने का काम सौंप है। इसके लिए $2.8 बिलियन दिया है। ये स्पेसशिप लगभग 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मंगल ग्रह तक यात्रा करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना है।